आप लोग बोलते हैं ना नौकरी नौकरी नौकरी, हमारा उम्र खत्म हो रहा है। योगी जी का, मोदी जी कितना योजना है, सिर्फ योजना को लोग फॉलो करें तो इतना अच्छा बिजनेस करेंगे। मैं खुद बिजनेस और बिजनेस के मालिक होंगे। नौकरी क्या चीज है, नौकरी तो आप तैयारी करते हैं, बिजनेस करिए। नौकरी इतना योजना दे रहे, पैसा दे रहे हैं, आप लोगों को बिजनेस दे रहे हैं। बिजनेस करने का तरीका से नौकरी क्या होता है, लोन ले लिए 5 लाख का। अगर लोन अगर मान लिए एक युवा है पढ़ लिख के, वो लोन ले लिया, ले लिए, नौकरी नहीं मिला उसको, लोन ले लिया, अगर वो बिजनेस नहीं चला तो फिर वो लोन कहाँ। ठीक, नौकरी लोग किस लिए खोजते हैं, क्योंकि काम न करना पड़े, बैठना पड़े, बिजनेस करे, अपना क्वालिटी देखा, बिजनेस पैसा दिखाएगा। नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तब बिजनेस तो करिए, बिजनेस भी करिए, बिजनेस करेंगे नौकर रखिए, आप खुद मालिक हो जाएंगे। आपकी योजना दे रहा है, जो लोन वाली बात कर रहे हैं, लोन अगर कोई विद्यार्थी है पढ़ लिख के लोन ले लिया तो आखिरकार उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो भरेगा कैसे। आप निगेटिव क्यों सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हर काम निगेटिव तो निगेटिव चले, पॉजिटिव आप किसी बिजनेस करो पॉजिटिव करो, आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे नहीं जाएंगे। बड़े बड़े बिजनेस में 1 करोड़ 10 करोड़ का लोन लेता है, आगे नहीं चलते। जैसे सर हमारे मित्र बोल रहे हैं कि बिजनेस करिए, अगर नौकरी नहीं देना है तो आप फार्म क्यों अप्लाई करवाते हैं, और फार्म अप्लाई कराते हैं तो क्यों नहीं एग्जाम सही सलामत कराते हैं। एग्जाम कराते हैं, ऐसे कराते हैं लोग कि पेपर लीक हो जाता है। हमने गया था एग्जाम देने के लिए, पेपर लीक हो गया, कहिए तो मैं पूरा सबूत दे देता हूँ। और पेपर लीक होने का सबसे बड़ा कारण है जहाँ से पेपर बना है और जहाँ प्रिंट हुआ उसके बीच में हुआ है। पेपर की अच्छा नहीं कर पाएंगे ये लोग, एक पेपर की अच्छा नहीं कर पा रहे। हम लोग कैसे कैसे रात भर जग कर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जाम सेंटर पहुँचते हैं तो हम लोग की चेकिंग ऐसे होती है जैसे हम लोग कोई आतंकवादी। हम लोग का पूरा हाथ का घड़ी बेल्ट वगैरह सारा जो भी मंगलसूत्र महिलाएं पहनी होती है उनका वो तक उतरवा दिया जाता है। लेकिन ये लोग पेपर की सुरक्षा नहीं कर पाते, सरकार इनकी इनको नौकरियां नहीं देनी है। अगर जिनको नौकरी देती है वो एग्जाम कराता, अभी आप देख सकते हैं इससे पहले समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है उसमें भी पेपर लीक है, और इसमें सेकंड पाली में 17 तारीख को और इसके बाद 18 तारीख को सेकंड पाली में पेपर लीक है। आप कहिए तो मैं प्रमाण दे सकता हूँ। और जो 18 तारीख को शाम को आया था वो पेपर 16 तारीख को शाम को लीक हो चुका था, और उस पर पूरा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन कौन देता है, किसके पास समय होता है, जो पेपर बनाता है और जहाँ प्रिंटिंग होती है इसके बीच में ये पेपर लीक हुआ है। सर अगर कोई अगर पेपर लीक करता है तो केवल क्वेश्चन और आंसर डालता है, इस पर पूरा टोटल लिखा हुआ है। सरकार कहीं से हमारे युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है। 1 मिनट सर, सरकार कहीं से युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है। 2014 में हम ही युवाओं ने मोदी जी को प्रधानमंत्री काम किया था, और 24 में यही हुआ सुखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए दिक्कत क्या है, भैया वहाँ पर नकल खुलेआम हो रहा है बच्चों का, भैया खुलेआम हो रहा है, जब सब भैया जी हो रहा है। एक बात बताइए, लोग नीलामी हो रहा है भैया, का शासन जब था तो नकल बहुत होता था, तो लोगों को नकल का आदत हो गया है। अब बीजेपी ये करता है, नकल आदत नहीं डालना चाहता, अपने बल पे पास होकर, अपने क्वालिटी पास होकर, जो भी बिल लीकेज हुआ है चाहे फार्म जो भी पेपर लीक हुआ है वो योगी मोदी तो किए नहीं, आगामी लोग ही नहीं किए, उस लोग में भाजपा भी सपा भी सब कुछ है, कौन क्या कौन जानता है। हाँ, जिसको नौकरी नहीं देती है करा देता है, साफ साफ बात है। नौकरी देने लेकिन जो पकड़ाए हैं सर, सुनिए सर, सुनिए, बुलडोजर खाली चलता है, पेपर जो लिख आइए आइए, बाबा का बुलडोजर चलता है खाली, गरीबों वो चलता है। मैं आपको बता देना, तो जितने लोग पकड़ाए वो मच्छर है, अभी बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए, जो बड़े बड़े नेता है भाजपा के, वही लोगों ने पेपर लीक कराने का काम किया है। उनके लोगों ने 10 लाख रुपया लेकर
एक मिनट सुनिए नौजवान धरना दे रहा है। युवा के जो 10-12 के जो एग्जाम होते हैं, पहले जो होते थे लड़के जो कि नकल मार के पास होते थे, अब वही आज के लड़के बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। सुनिए, अब पेपर लोग देने जाते हैं, अब जैसे अभी 62,000 भर्ती आई है, उसमें से 48,00,000 जो है कि फॉर्म भरे हैं, 2,00,000 को रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब पेपर हालांकि लीक हुआ है, ठीक है, लेकिन और भी रोजगार बहुत सारे मिल रहे हैं सरकार में, तो लीक होता था वही लोग भर्ती। सुनिए ऐसे लोग भर्ती तो नहीं हो रहे हैं, कोई सरकार से भर्ती नहीं होगा। अरे लेफ्ट था, कौन बैठा गन्ना जीता था, कौन दिया इधर उधर, कौन दिया उत्तर प्रदेश पुलिस के फार्म बताइए, छोड़िए फार्म निकाला है, बेटा पेपर दे रहा है और बाप पैसा लेकर। चलिए, वो बात समझ में आती है, सुनिए आप बताइए, छोड़िए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है तो चाहेंगे कभी कि आप पढ़े क्योंकि राशन।